दोस्तों आज के दिन की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत लाइन से करना चाहूँगा कि यदि किसी इंसान में सुंदरता की कमी हो तो अच्छा स्वभाव उसे पूरा कर सकता है, पर अगर किसी इंसान में स्वभाव की कमी हो तो अच्छी सुंदरता भी उसे पूरा नहीं कर सकती। तो इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की कहानी मुझे सुभाना चिश्ती जी ने भेजी है और इस कहानी का नाम है नेक काम का नेक अंजाम। तो दोस्तों बात बहुत पुरानी है, ये बात उस वक्त की है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। लोग अक्सर व्यापार के सिलसिले में अपने शहर से दूसरे शहर पैदल जाते थे और एक बहुत बड़ा काफिला चला करता था। अक्सर ऐसा होता था कि लोग काफिले में इसलिए चलते थे क्योंकि रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो सब लोग मिल करके उसका सामना कर लेंगे। तो लोग पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात पैदल चलते थे और एक शहर से दूसरे शहर जाते थे अक्सर व्यापार करने के लिए। तो एक बार की बात है कि एक ऐसे ही काफिला अपने शहर से निकलता है दूसरे शहर जाने के लिए, किसी न किसी व्यापार के लिए, किसी न किसी काम के लिए। वो काफिला निकलता है और उस काफिले में एक खास बात ये थी कि उसमें एक बुजुर्ग बहुत ही एक नेक आदमी था जो हमेशा से उस काफिले के सबसे आगे चलता था। उसका मानना ये होता था कि अगर किसी भी टाइप की कोई समस्या उसके सामने आएगी तो काफिले में जो भी लोग होते थे वो उनको बता देता था, इन्फॉर्म कर देता था कि ये समस्या हम लोगों के सामने आने वाली है, और हमेशा उस आदमी की आदत थी कि वो आदमी आगे आगे चलता रहता था। तो एक बार की बात है कि काफिला चलता है और चलते चलते बहुत देर उन लोग पैदल चलते हैं। पैदल चलने के बाद लोग अक्सर थक भी गए होते हैं और एक बहुत बड़ी सी सुरंग पड़ती है। जब वो सुरंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही घना अंधेरा होता है, उन लोगों को कुछ बहुत साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। अचानक एक बहुत ही नुकीला सा पत्थर उस आदमी के पैर में चुभ जाता है। जैसे उस आदमी के पैर में नुकीला पत्थर चुभता है तो बहुत तेज से उसके मुँह से दर्द भरी आवाज़ निकलती है। बाकी के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो आदमी बताता है कि लगता है कि सुरंग के अंदर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, तो आप लोग एक काम करिए कि आप लोग भी अपना अपना रुमाल या कोई अंगोछा जो भी आपके पास हो आप निकाल लीजिए, और हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ के पत्थरों को बीन लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कोई आ रहा हो तो उसको भी ये पत्थर चुभ जाए। बाकी के लोग इस चीज़ को मजाक में उड़ा देते हैं, कहते हैं कि अब हमारे पास इतनी तो फुर्सत है नहीं। चूँकि लोग थके हुए थे तो लोग बैठ जाते हैं वहाँ पर, आराम करने लगते हैं। वो आदमी बेचारा क्या करता है, अपना रुमाल निकालता है, रुमाल में वो धीरे धीरे करके पूरी सुरंग के जितने भी पत्थर होते हैं उनको बटोरना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बटोरता जाता है, चूँकि रात बहुत हो गई थी और धीरे धीरे वहाँ पर लोग भी बैठ चुके थे, आराम कर रहे थे, लोगों ने सोचा कि चलो ठीक ही है, क्या करना, ये तो ये काम कर ही रहा है, हम लोग को आराम से पूरा रास्ता साफ मिलेगा। सुबह होती है, वो लगभग पूरी सुरंग में से पत्थर जितने थे वो अपने रुमाल में इकट्ठा कर लेता है। लोग जैसे ही सुरंग में से बाहर निकलते हैं और प्रकाश होता है, जब उजाला होता है तब वो अपनी पोटली खोलता है। जैसे ही वो पोटली खोलता है तो देखता है कि उसकी पूरी पोटली हीरों से भरी हुई है। असल में जो हीरे थे, लोगों को पता चलता है कि वहाँ से एक राजा के का काफिला निकलता था, और जब काफिला निकल रहा था तो उसमें से खजाना गिर गया और वो वहाँ के जो हीरे थे वो पूरे रास्ते में फैल गए। तो वो लोगों को लगा कि शायद वो नुकीले पत्थर हैं, लेकिन वो हीरे थे। अब वो आदमी ने हीरे इतने सारे अपने पास थे और जितने भी लोग थे वो वहाँ पर बहुत ही अफसोस कर रहे थे और उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं कि अरे ये क्या हो गया। तो दोस्तों ये कहानी हम लोगों को ये सिखाती है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग नेक काम करते हैं तो ऊपर वाला किसी ना किसी रूप में हम लोगों को उसका फल देता ज़रूर है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं और हम लोगों को डायरेक्टली कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम लोगों को लगता है कि शायद ऊपर वाले ने हम लोगों की सुन ली, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ऊपर वाला सीधे सीधे जो हमारे नेकी का फल होता है वो नहीं देता है, वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरीके से वो फल हम लोगों के सामने आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हम लोग की लाइफ में ये क्यों हुआ, पर क्या पता कि आपके सामने जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, आपको जो भी अच्छा मिल रहा है या जो भी आप आज सुख भोग रहे हैं वो किसी न किसी एक अच्छे काम का फल हो, आपकी नेकी का फल हो जो आपको मिल रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर के इंसान को मरने नहीं देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छे काम करें, हम लोग लोगों के साथ हेल्प करें, उनकी सहायता करें, किसी को किसी भी प्रकार से दिक्कत अपने मारे हम लोग नहीं होने दें। और यकीन मानिए कि अगर आपसे मिलने वाला इंसान या जिस किसी को भी आप किसी भी रूप में आप सुख देंगे या आप अच्छा काम करेंगे तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको भी इस नेकी का फल देगा ज़रूर। तो चलता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को अगर कोई भी अपनी कहानी चाहते हैं कि और लोगों तक पहुँचे तो प्लीज़ मुझे वो अपनी कहानी आप ज़रूर भेजिए, और मैं चाहूँगा कि आपकी कहानी को मैं खुद के शब्द दे सकूँ।
तो आप लोगों के बीच से विदा लेता हूँ, कल फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। क्या पता मेरी कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।